नमस्कार। आज आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास का वेट कर रहे थे ऑनलाइन होने के लिए, पर मैं क्षमा चाहूँगा कि इस क्लास को मैं ऑनलाइन नहीं कर पाया। इसकी दो ही वजह रही, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के बार बार कट लग जाना और दूसरा इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने भी बहुत दिक्कत दे दी। तो क्लास तो होनी ही थी, तो मैंने इस क्लास को आप सभी के लिए रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड करके मैं इसको अब अपलोड करके आपके सामने लेके आया हूँ। इस क्लास का आप सबको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपको फायदा उठाना भी चाहिए। फायदा कैसे मिलेगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लास का, जैसे कि आपने थंबनेल चेक भी किया है, उसमें लिखा है एरर्स के ऊपर बेस्ड क्लास। एरर भी किस में, ग्रामर के अंदर गलतियां। जब हम ग्रामर को समझ लेते हैं तो आपके अंदर एक काबिलियत पैदा होती है डियर, वो काबिलियत होती है एक भाषा को समझने की, लिखने की, पढ़ने की और बोलने की। ये सब कुछ आप उस अकेली एक ग्रामर की समझ से सीख सकते हैं। हर क्लास में हम संभव कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स जितने भी हमसे जुड़े हैं वो बेस्ट से बेस्ट लेके जाएं। आज क्लास को शुरू करने जा रहा हूं तो एक बात तो कहूंगा कि अगर आपको बेस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको सीखने का मन बनाकर बैठना पड़ेगा। आपको एक एक शब्द को सुनना पड़ेगा ये सोचकर कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है और इसके मुझे इससे बोलने से मुझे क्या मिलने वाला है। अब मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं डियर, ज्यादा तो बात नहीं करूंगा। एक बात और है, कोशिश करूंगा कि कैमरे पे तो देखो वो फीलिंग नहीं आ पाती, मैं खुद को भी जब पढ़ाता हुआ देखता हूं कैमरे पे तो जहां मैं अपने आप को क्लास में 100% फील करता हूं तो कैमरे पे वही मुझे 30 से 40% अपने आप को हमेशा फील होता है। ये मैंने बिल्कुल दिल से कहा, ये कोई और बात नहीं थी, सच में मुझे बहुत कम फील होता है क्योंकि एक बहुत फर्क भी है बच्चों, एक लाइव आप सामने बैठे हो और हर शब्द के साथ आपके चेहरे के भाव बदल जाते हो, वहीं पर एक आप मुझे दिख भी नहीं रहे और मैं बस बोले जा रहा हूं ये मानते हुए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बस एक यही वजह है कि मैं क्लास में कभी भी कैमरे के सामने खड़ी इस क्लास में अपने आप को कभी भी अच्छा फील नहीं कर पाता, पर फिर भी ये मन में रखते हुए कि क्लासेस आप तक बहुत कुछ बच्चे ऐसे हो हैं जो बहुत अलग अलग क्षेत्र में बैठे हैं और डेली इंतजार करते हैं इंग्लिश की ऐसी क्लासेस का जिनमें उनको इंप्रूवमेंट फील होता है। तो मैं चाहता हूं कि आज की इस सिखाने वाली क्लास को मैं बहुत मन के साथ आपके सामने पढ़ाऊं। जब इस क्लास को आप पढ़ें तो मन में आने वाले डाउट्स और क्लास के जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर। इतनी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आज की क्लास में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे और हर क्वेश्चन के साथ आपको एक गलती नजर आएगी। आपका काम इतना सा है कि इन गलतियों को मेरे साथ समझना है। मैं आप सभी के लिए, अगर लाइव क्लास होती तो मैं रुक जाता और आपसे पूछता कि संदेश पढ़ो और मुझे बताओ इस संदेश में कमी क्या है, पर अब ये संभव नहीं है। तो एक काम मैं करूंगा, सबसे पहले आप सबके साथ आप भी स्क्रीन से इस क्वेश्चन को पढ़ना और मैं भी ये मानते हुए आपके साथ बैठा हूं मैं भी क्वेश्चन को पढ़ूंगा और हम दोनों क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझेंगे कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद बोर्ड पे लिखकर समझेंगे कि किसमें गलती क्या कर दी। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ लेता हूं, आप भी मन से ही पढ़िएगा, ये मानते हो कि मैं आपके साथ हूं यहां पर। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ऑफ क्लास अंडर द प्रेजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। इसमें दो तीन बातें बहुत अच्छी हैं बच्चों। ये संदेश जो आपको दिया गया है ये एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जो कि मेरे स्टूडेंट के द्वारा मुझसे पूछा गया। नाउ आई वॉन्ट यू टू फील दिस सेंटेंस, और इसमें एक एरर को फील ना करके बिसाइड्स दैट इसके साथ साथ मैं कुछ और भी चीजों पे चाहूंगा कि आपका ध्यान वहां पर पहुंचे। मैं पहली बात आपके सामने शुरू करता हूं। आप इसके स्टार्टिंग में देखिए जो आपको यहां पर दिखाई देता है, कहां तक, वर्कर्स तक। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स, आप एक बार फील कीजिएगा यहां पे ये ऑफ को, ये ऑफ कर क्या रहा है बच्चों। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी बात होती है जो ग्रामर के जरिए बच्चों को सीखने को मिलती है, वो क्या कि जब हम रिलेशन दिखाते हैं, कोई चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी है, कोई व्यक्ति किसी चीज से जुड़ा है, किसी जगह से जुड़ा है, तो उसको जोड़ा कैसे जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं उस मार्कर की कैप है। मैं यहां पे दो चीजों के नाम लिखता हूं बच्चों, एक लिखता हूं कैप और एक ये वाले मार्कर के लिखता हूं दिस मार्कर।
और मैं चाहता हूं कि आप समझ के देखिए, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं ये रहा, पर ध्यान से देखिए इस मार्कर से जुड़ी एक चीज का नाम मैंने लिया आपके सामने, वो है कैप। और इन दोनों के बीच में मैंने यहां पे एक शब्द लिया जिसको मैंने ऑफ कहा है। यही सीखने वाली बात है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी बात कही है कि दो चीजों के बीच में या कभी भी कहीं भी चीजों के बीच में रिलेशन पैदा करना हो, संबंध दिखाना हो, तो संबंध दिखाने का एक तरीका यह भी होता है कि आप ऑफ लगा दें। जब मैं कहता हूं कैप ऑफ दिस मार्कर, तो इस कैप का संबंध इस मार्कर के साथ हो गया, ऐसा मैंने कहने की कोशिश की है। एक और अच्छी बात होती है, जब हम ऑफ की मदद से रिलेशन दिखाते हैं और चीज निश्चित होती है, तो ऐसा होने पर यहां पर आर्टिकल द का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए यहां पे क्या लिखा है, द कैप ऑफ दिस मार्कर, यानी कि इस मार्कर की कैप, ये ऑफ होता है ये वाला। अगर आपको यहां पे ये ऑफ समझ में आ रहा है, तो आपको इस सेंटेंस में आने वाली गलती भी समझ में बिल्कुल आराम से आएगी। मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस को आप मेरे साथ पूरा करें। सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, यहां पे जो वर्कर्स हैं वो कुछ लोग हैं, और उनका जो ग्रुप है उसको हमने क्लास कह दिया। ये वैसी ही बात हुई जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खेलने वाले जो लोग हैं वो प्लेयर्स हैं, पर उनका जो ग्रुप है वो टीम है। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इसी तरीके से वर्कर्स की हमने क्या बुला दी, क्लास, तो क्लास ऑफ वर्कर्स। पर बच्चों ध्यान से सुनिए, यहां पर केवल यही नहीं कहा जा रहा क्लास ऑफ वर्कर्स, बल्कि आपको यह भी बताया जा रहा कि वो क्लास कैसी है। उससे बगल में लगे शब्द को ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, जो अनस्किल्ड के रूप में लिखा है, यहां पे लिखा है शब्द अनस्किल्ड, उन वर्कर की क्लास की विशेषता को दिखाता है कि क्लास कैसी है जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है। और जब चीज व्यक्तियों के पास स्किल्स नहीं होती तो आप उसे अनस्किल्ड भी कहते हैं। और वहीं पर अनस्किल्ड से पहले लगे द को देखिए, और उस द में आप फील कर पाएंगे मेरी ये बात जो मैंने आपको पढ़ाई, द कैप ऑफ दिस मार्कर की ऑफ के साथ रिलेशन होने पर आर्टिकल द का प्रयोग हम कर देते हैं, जो कि यहां पर भी देखने को मिलेगा आपको। तो द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स, मैं समझता हूं यहां से फील कर रहा हूं कि आप सब ये पकड़ पाएंगे कि यहां पर इतने सेक्शन का मीनिंग क्या है। एक बात और, आप में से बहुत सारे व्यक्ति जो देखने वाले होंगे वो इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, और वहीं पर कुछ ऐसे भी होंगे जो इस चीज को बिल्कुल नहीं जानते होंगे। एक शिक्षक का मतलब क्या होता है बच्चों? एक शिक्षक का मतलब ये नहीं होता कि उसको नॉलेज है तो वो शिक्षक बन गया। नहीं बच्चों, शिक्षक बनाता है एक ही चीज, क्या, कि नॉलेज का एक्सप्रेशन कैसा है, कि आपने जो सीखा है आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो जब मैं एक शिक्षक के रूम में खड़ा होता हूं कैमरे के सामने, तो मेरा मन ये कहता है कि मैं केवल उनके बारे में ना सोचूं जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि मैं उनके बारे में भी सोचूं जो कुछ नहीं जानते। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो जानते हैं उनको रिवीजन का मौका मिल रहा है, और जो नहीं जानते उनको सीखने का मौका मिल रहा है। ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखकर आप आगे बढ़िए और देखिए इसमें क्या क्या है आप सब के लिए। आगे बढ़ता हूं बेटा। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ऑफ क्लास। आप जरा गौर से देखिए बेटा, यहां पर एक शब्द ये जो ऑफ लगा है, यहां पर क्लास से पहले ऑफ लगा है, क्या वो होना चाहिए था? क्या वो होना चाहिए था? अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं कहता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये यहां पर आना गलत है। कोई मेरे से पूछता क्यों गलत है, मैंने कहा यहां पर गलती है, मुझे एक चीज समझ में आती है, नाउन। नाउन मैंने क्यों कहा बेटा? किसी व्यक्ति, चीज, कुछ भी, जो इंसान, चीज, जानवर, किसी भी रूप में एक नाउन, एक मतलब एक नाम के रूप में आता है, तो दैट्स कॉल्ड नाउन। जैसे मैंने इसको मार्कर बुला दिया जिस पे लिख रहा हूं, उसे बोर्ड बुला दिया जिस पर पढ़ा रहा हूं, कैमरा, यूट्यूब, इन सबके अपने नाम है, दैट्स नाउन। तो ये ऑफ क्या करता है बच्चों? ये ऑफ इतना सा काम करता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम करता है। जब ये रिलेशन पैदा करता है तो करता क्या है, एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से जोड़ने का काम करता है। और आप जरा फील करके देखिए, यहां पर जो वर्ड लिखा है मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब किसी का शोषण हुआ हो, शोषित जिसे कहते हैं हम हिंदी में, उस इंग्लिश में हम एक्सप्लॉइटेड कहते हैं, और सबसे ज्यादा शोषित को हम मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे उस क्लास का अनस्किल्ड होना उसकी विशेषता थी, इसी तरीके से इस क्लास का एक्सप्लॉइटेड यानी शोषित होना भी तो इसकी विशेषता है। और इससे लगा पहला वाला मोस्ट शब्द क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये नहीं दिखा रहा कि सबसे ज्यादा शोषित? तो बच्चों ध्यान से देखा जाए इस सेंटेंस में, ये मोस्ट एक्सप्लॉइटेड करके जो ये वर्ड है, ये तो विशेषता दिखा रहा है। विशेषता कैसे?
जैसे मैं आप सबसे ये कह दूं अ और आ के बाद मैं यहां पे कह दूं ब्लैक और ब्लैक के बाद मैं कह दूं मार्कर, अब ब्लैक मार्कर। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब मैं अब ब्लैक मार्कर कहता हूं तो क्या आप यहां पर यह बात फील नहीं कर पा रहे कि मार्कर से पहले लगा इस शब्द ब्लैक इस मार्कर की विशेषता है? क्या मार्कर का काला होना मार्कर की विशेषता है? तो आपके मन से निकलना चाहिए यस, वो विशेषता है। और ये विशेषता दिखाने वाले शब्दों को जब हम किसी व्यक्ति या चीज या किसी से भी जोड़ते हैं तो हमें करना इतना सा होता है उस व्यक्ति चीज से जस्ट पहले इसको रखना होता है। जैसे हमने मार्कर से पहले ब्लैक रख दिया तो मार्कर की विशेषता हो गई। यही चीज आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि एडजेक्टिव्स को हम सीधा उस व्यक्ति चीज से पहले लगा देते हैं जिसकी हम विशेषता दिखा रहे हैं। अब सोचो जरा, मैं इस ब्लैक के बाद यहां पे ऑफ लगा के बोलूं अब ब्लैक ऑफ मार्कर, आप हल्की भी समझ रखते हो, थोड़ा भी इंग्लिश को आपने पढ़ा है तो आप कहोगे कि नहीं सर ये तो गलत कह रहे हैं आप। और जो उन्होंने नहीं पढ़ा आज सीख लीजिए, विशेषता वाले शब्दों को हम सीधा उस व्यक्ति चीज के बगल में रखते हैं जिसकी हम विशेषता दिखा रहे हैं, उससे पहले ऑफ इन एट ऑन ये जितनी प्रेपोजिशन है इनको नहीं लगाते, क्योंकि प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन के लिए होता है और ऑफ का प्रयोग दो व्यक्ति चीजों के बीच में संबंध दिखाने के लिए होता है। यहां पर एक ही चीज है जो कि क्लास है, पर उसके बगल में कोई विशेषता का वर्ड है, कोई दूसरा इंसान नहीं है। तो इसलिए पहले सेंटेंस की एरर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आती है, मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास, ये ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि यहां मोस्ट एक्सप्लॉइटेड इस क्लास की विशेषता है। मोस्ट वर्ड सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये हमने पढ़ा भी होता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट ऐसे मच मोर मोस्ट होता है। किसी व्यक्ति चीज के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाए तो उससे पहले और कोई ऐसा शब्द ना हो जो उसको निश्चित करते हो तो हम दा का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए यहां पे दा लगा था। द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास अंडर द प्रेजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। बेटे यहां अंडर का मतलब क्या है? जब कोई भी काम किसी नियम कायदे कानून के साथ किया जाए तो उसे हम अंडर कहते हैं। आप देखना जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट को दर्ज किया जाता है पुलिस स्टेशन में तो वहां पे लिखा होता है अंडर सेक्शन फला फला। तो इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो धारा लगी है या इस व्यक्ति को जो बंद किया गया है इस नियम के तहत, इस कानून के तहत ऐसा किया गया है। तो किसी नियम कायदे कानून के तहत कोई काम होता हो तो उसे अंडर कहते हैं। तो यहां पर एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ये जो अनस्किल्ड क्लास है वो सबसे ज्यादा शोषित क्लास है वर्कर्स की, ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज एक काम और कर लें, सब व्यक्ति जितने भी देखें अपने कमेंट के साथ मुझे जरूर बताना, अच्छे बुरे जैसे भी हैं वो मेरे लिए हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मैं मन से पढ़ा रहा हूं, बस इसका जवाब भी चाहता हूं कि आपको कैसा फील हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि बेटा क्वेश्चन नंबर मैं 2 की तरफ आऊं, तो उस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा सेकंड सेंटेंस आपका जो है ये आपको बहुत अच्छी बात सिखाएगा। देखिए वो क्या, पहले वाले सेंटेंस में क्या सीखा कि विशेषता वाले शब्दों को सीधा व्यक्ति के बगल में रखते हैं, वहां पर प्रेपोजिशंस की जरूरत नहीं होती। फिर ये सीखा कि ऑफ क्या करता है, और फिर ये सीखा कि अंडर का मतलब क्या होता है। अब अगली बात की तरफ समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात सीखने वाली बात है इसमें। देखिए यहां पर बात किसकी हो रही है, रेट्स की बात हो रही है। अब समझना मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस में जो हम बात चल रही है वो रेट्स के बारे में बात चल रही है। हाँ वो रेट्स कौन से हैं, वो टैक्स से जुड़े हैं, इसलिए इससे पहले लिखा टैक्सेशन, और टैक्सेशन से पहले लिखा शब्द न्यू ये बता रहा है कि जो रेट्स हैं वो नए हैं, पुराने नहीं हैं। आगे देखिए अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, आपको ये भी पता चल रहा है कि जो रेट्स आए वो किसके द्वारा आए, किसी विक्रेता के द्वारा नहीं आए जो बेचने वाला है, बल्कि ये जो जितना भी कुछ आया है इसको गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब बेटे इज बी बाउंड टू का मतलब होना ही हो, जब किसी भी काम का होना तय है तो उसे हम बाउंड टू कहते हैं। जैसे यू आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स, तो इसका मतलब आपके अच्छे नंबर लेना तय है। तो किसी काम का होना जब तय होता है तो उसमें बाउंड टू आता है, बी बाउंड टू। तो यहां पे आर इसलिए आया क्योंकि यहां पे रेट नहीं बेटा, रेट्स हैं। हम सब ने एक बात सीख लेनी चाहिए कि रेट्स ज्यादा हैं, तो इज नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि इज तो किसी एक के लिए आता है,
पर हां इसका ही मीनिंग रखने वाला शब्द आर वो एक से ज्यादा को दिखाता है, तो इसलिए यहां पे आर लगा है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट। मैं चाहता हूं कि यहां से मेरे सभी देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं या यूट्यूब के मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो यहां पर एक बात सीखें। क्या सीखें? बिल्कुल यही वाला इफेक्ट दिया गया है कि जो इफेक्ट शब्द होता है ना बेटा, इसके दो मतलब होते हैं। वो दो मतलब आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इसे ग्रामर के साथ समझ लेंगे। देखिए कैसे, इफेक्ट जो शब्द है वो अपने आप में एक नाउन भी है, तो यही शब्द अपने आप में एक वर्ब भी है। अगर इफेक्ट एक नाउन है तो उसका मतलब होता है प्रभाव। जैसे एक छोटा सा वर्ड देखिए, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो इस सेंटेंस में इस दो शब्दों तीन शब्दों के कॉम्बिनेशन में पता चल रहा है कि स्मोकिंग यानी धूम्रपान के जो प्रभाव है, तो मैंने कह दिया द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये ऑफ फिर आ गया आपके सामने बेटा रिलेशन दिखाने के लिए कि प्रभाव किसके हैं, स्मोकिंग के हैं, तो ऑफ लगा दिया। तो अगर इफेक्ट एक नाउन होता है तो उसका मतलब प्रभाव होता है, पर अगर इफेक्ट का मतलब एक अगर इफेक्ट एक वर्ब है तो उसका मतलब किसी भी चीज में बदलाव करना होता है। जैसे मैंने कहा इफेक्ट दीज लॉज, इसका मतलब क्या है, इन कानून में बदलाव कर दो। तो जब हम किसी भी चीज के अंदर फेर बदल करते हैं, बदलाव करते हैं, कुछ घटित करते हैं, तो वहां पे इफेक्ट आता है। तो कौन कहता है कि इफेक्ट केवल एक नाउन होता है? इफेक्ट अगर एक वर्ब हो तो इसका मतलब चेंज करना होता है। अब अगली बात की तरफ देखूं तो इफेक्ट आगे और भी इसके बारे में विस्तार से बात कर लूंगा, पर अभी बात हमें वो सीखना जो एग्जाम में यहां से एक और क्वेश्चन के रूप में आता है। एक होता है AFFECT जिसे हम कहते हैं अफेक्ट। ये इफेक्ट और अफेक्ट के बीच की बात है बच्चों। ये जो अफेक्ट शब्द है, इस शब्द का मतलब मैं आपको बताऊं, उससे पहले बताना चाहता हूं कि ये वर्ब है। दूसरी बात, इसके मीनिंग को देखना बड़े ध्यान से। देखिए कैसे, अगर ई वाला इफेक्ट है तो उसका मतलब होता है प्रभाव, और ए वाला अफेक्ट है, अफेक्ट बोलने में फर्क देखिएगा, इफेक्ट और अफेक्ट। ए वाला अगर अफेक्ट है तो उसका मतलब है प्रभाव डालना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, टैक्सेशन के जितने नए जो रेट्स आए हैं वो तय है कि वो एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रभावित करेंगे। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, छोटा सा पॉइंट पूछा गया था कि टू के बाद वर्ब को वर्ब से जोड़ते तो बेटा टू आता है, तो टू के बाद आने वाला जो शब्द होता वो वर्ब होनी चाहिए थी यहां पर मैंने ई करके इफेक्ट जो रखा वो तो नाउन था, जो कि मैंने गलत कर दिया। अब मुझे सही सेंटेंस चाहिए था तो मैंने कुछ नहीं करना था इसमें, इस बात को समझते हुए कि यहां पे ई गलत है, मुझे ए वाला अफेक्ट लेना पड़ेगा, तो मैं सेंटेंस को कह दूंगा आर बाउंड टू अफेक्ट एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रभावित करना उसका तय है। तो प्रभावित करने वाला शब्द लूंगा बेटे, फर्स्ट फॉर्म इसलिए लूंगा क्योंकि टू के बाद पहली फॉर्म आती है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी, प्रभाव बदलाव करना और प्रभाव डालना, ये इसके मतलब थे बेटा। अब मैं चाहता हूं बाउंड टू भी आपको सीखने को मिला, बाउंड टू का मतलब किसी भी चीज का होना तय है। आगे देखिए, जैसे अगला वर्ड देखिए, एक बात और बेटा, गर्मी तो बहुत है पर इस गर्मी का देखिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी तो नहीं कर सकते, ये तो रहेगी, पर इस बीच में जो चीज नहीं रुकनी चाहिए वो हमारी एजुकेशन है। हर चीज टेम्परेरी होती है, पर एक व्यक्ति का जो भविष्य होता है वो कभी टेम्परेरी नहीं होता, उसका करियर उसके लिए सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। सबसे ऊपर अगर किसी चीज को रखना है उसे तो अपने करियर को रखना है। इसलिए आज जितनी भी स्लाइड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं वो एक दो पे नहीं रुकनी चाहिए, हर काम को पीछे कर दो क्योंकि वो टेम्परेरी है, और एक ही चीज को परमानेंट लेके चलो जो आप क्लास के रूप में आज देख रहे हैं। अंतिम सेंटेंस तक आपको एक एक बात समझनी है, और वहीं पर वीडियो को रोककर अपने नोटबुक का हिस्सा उस बात को बनाना है जिस बात को आप सीखते चल रहे हैं। जैसे बाउंड टू का मीनिंग, इफेक्ट का मतलब, अफेक्ट का मतलब, कैसे लगते हैं, टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, एक एक सेंटेंस में बहुत कुछ है जानने और समझने के लिए। मैं चाहता हूं मैं तीसरे सेंटेंस के साथ आगे बढ़ूं, सेंटेंस पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला वर्ड देखिए यहां पे लिखा हिज हैंडीकैप। बेटे हैंडीकैप का मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर शारीरिक अनएबिलिटी होती है, जब व्यक्ति का शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक से काम ना कर रहा हो या फिर काम ही ना कर रहा हो, तो ऐसी अवस्था को हैंडीकैप की अवस्था कहते हैं।
तो उसके शरीर के हिस्से के काम ना करने को उसने कहा हिज हैंडीकैप कैन बी एट्रीब्यूटेड। बेटा एट्रीब्यूट का मतलब किसी भी चीज को किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना भी होता है और जोड़ना भी होता है। तो बी एट्रीब्यूटेड इसका मतलब के साथ जोड़ा जा सकता है। तो कैन बी एट्रीब्यूटेड, ध्यान रखना एट्रीब्यूट के साथ आने वाला टू इसलिए है क्योंकि एट्रीब्यूट के बाद जब हम उसको रखते हैं, किसको, उस चीज को रखते हैं जिसके साथ उसका संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो वहां प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो हिज हैंडीकैप कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट ही इज बॉर्न बाय एन अंडर नरिश्ड मदर। कितनी अच्छी बात है। आज आप इस पहली स्लाइड के अंदर तीन बार ऐसी चीज को देख चुके हैं, मैं तीनों जगह का नाम लेता हूं। अनस्किल्ड पहला वर्ड देखा आपने, अनस्किल्ड पहला देखा, दूसरा आपने एक्सप्लॉइटेड वर्ड देखा, और अब तीसरा आप अंडर नरिश्ड देख रहे हैं। ये कुछ भी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं। जैसे वो ब्लैक शब्द उस मार्कर की विशेषता बता रहा था, ऐसे किसी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी व्यक्ति और चीज की विशेषता दिखाती है। जैसे उस क्लास का अनस्किल्ड होना, उसके पास स्किल्स नहीं है, ये उसकी विशेषता बन गई। और वहीं पर एक्सप्लॉइटेड होना, उसका शोषित होना दिखाना भी उसकी विशेषता है। इसी तरीके से यहां पर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो अंडर नरिश्ड, यानी कि अंडर नरिश्ड का मतलब है वो पोषक तत्व जब किसी व्यक्ति को ना दिए जाए जिसकी उसके शरीर को जरूरत होती है, जब वो ना मिले हो तो वो व्यक्ति अंडर नरिश्ड होता है। तो यहां पर वो व्यक्ति कौन, उसकी मदर अंडर नरिश्ड है, इसका मतलब उसको खाने पीने के पोषक तत्व शरीर में नहीं मिले हैं। तो वेल नरिश्ड होता है जिसको सारी चीजें मिली हो, अंडर नरिश्ड होता है जिसको पूरा ना मिला हो, पूरा संतुलित आहार ना मिला हो। अच्छी बात क्या सीखने लायक है बेटा इसमें, एक बात मैं यहां पे आपको समझा दूं। एक वर्ब होती है जिसे हम बियर कहते हैं, जिसका सेकंड फॉर्म बोर होता है, और वहीं पे जिसका थर्ड फॉर्म बॉर्न होता है। इस थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग को आप बड़े गौर से देखिएगा बेटा, एक बी ओ आर एन ई होता है तो एक बी ओ आर एन होता है। अगर आप बात फील कर पा रहे होंगे तो यहां पर ये जो व्यक्ति हैंडीकैप है इसके जन्म की बात चल रही है। इस सेंटेंस को पढ़कर आपको एक बात जरूर पता चली होगी कि जिस व्यक्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति को एक ऐसी मदर के द्वारा जन्म दिया गया है जिसको संतुलित आहार नहीं मिला है। तो एक बात तो यहां पे बहुत अच्छी तय हो गई, क्या कि ये जो अंडर नरिश्ड है वीमन, इसके जन्म, इसके द्वारा उस व्यक्ति के जन्म की बात चल रही है। समझाना क्या चाहता हूं बेटा, क्या कि पहली और दूसरी फॉर्म तो बिल्कुल सेम है पर तीसरी फॉर्म पे फर्क है। तीसरी फॉर्म के फर्क को आप तभी याद रख पाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये थर्ड फॉर्म अलग अलग होना आप तभी याद रख पाएंगे जब आप इसके हिंदी मीनिंग को जानते हैं, या मैं ये कह दूं कि कब कब आते हैं ये जानते हो। बियर का एक मतलब जन्म देना है तो बियर का दूसरा मतलब बर्दाश्त करने से है, सहन करना। अगर जन्म वाला बियर होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म बी ओ आर एन वाला बोर्न होता है, और वहीं पर अगर बर्दाश्त करने वाला बियर है तो उसकी थर्ड फॉर्म बी ओ आर एन ई वाला बोर्न होता है। तो यहां आपके दिमाग में तुरंत से बात चलनी चाहिए कि सेंटेंस की बॉर्न का जो स्पेलिंग है उसमें ई लगा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस में तो बात जन्म से है, बर्दाश्त करने से नहीं है। तो इसलिए इस सेंटेंस का सही आंसर, बॉर्न का स्पेलिंग गलत होने की, मतलब बॉर्न दूसरे वाला होने की वजह से यही सेक्शन इसका गलत माना जाएगा, यानी कि मेरा आंसर जो है वो उसमें सी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी समझ पाएंगे इसका सी आंसर क्यों है। तो राइट सेंटेंस बनेगा बेटा बी ओ आर एन बॉर्न बाय एन अंडर नरिश्ड मदर, इसका मतलब है। अब मैं चाहूंगा कि आपको अगली बात इनमें नेक्स्ट स्लाइड के साथ दूं, और वहां पे भी हम ऐसा ही करेंगे कि एक एक करके सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। जरा देखते हैं जरा अगला स्लाइड हमें क्या दिखाता है। ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई, और यहां पर भी क्वेश्चंस के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक लिखा है कि अमित का पहला सेंटेंस है फोर्थ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां चार क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर, और मैं चारों के चारों क्वेश्चन आपके साथ एक बार बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ता हूं, और उम्मीद आपसे भी करता हूं कि आप भी इतनी ईमानदारी दिखाएंगे। देखिए, अमित स्केर्सली हैड इनफ मनी टू पे टू द कैशियर एट द कैश काउंटर। वाह क्या बात है। इस सेंटेंस को आपको समझने के लिए यहां पर आपको एस सी ए आर सी ई एल वाई स्केर्सली जैसे शब्द को समझना पड़ेगा। अगर स्केर्सली शब्द का मतलब मैं कहूं तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट नॉट,
मैंने इसका इंग्लिश मीनिंग आपको बता दिया, ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं। जब हम किसी बात को मना करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे स्केर्सली आता है। इस बात को समझाऊं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं बेटा कि स्केर्सली जो शब्द होता है वो इंग्लिश में एक एडवर्ब की कैटेगरी के अंदर आने वाला शब्द होता है। ग्रामर के अंदर आप देखोगे तो हर बात को समझाने के लिए कुछ अलग अलग लेसन्स के नाम लिए जाते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, मॉडल्स, कंडीशनल, अलग अलग, सब अपने वो देखते हैं कि किस सेक्शन का हिस्सा, और वैसा नाम ले देते हैं। मैंने यहां पे जब एडवर्ब कहा तो ये आपकी मदद करेगा इस चीज समझाने में और याद रखने में कि इस वर्ड का यूसेज क्या कहता है। जब कोई भी शब्द एडवर्ब का हिस्सा हो तो वो कहां कहता है? एक एडवर्ब को हम किसी वर्ब के लिए लगा देते हैं, वर्ब से मेरा मतलब कोई काम। वहीं पर एक एडवर्ब को आप चाहे तो जो लगता है वो किसी विशेषता दिखाने वाला शब्द यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी व्यक्ति या चीज की विशेषता के लिए आते हैं। एक एडवर्ब का प्रयोग किसी दूसरी एडवर्ब के लिए भी हो जाता है, ऐसा भी मानना है। पर मैं आपसे बात करता हूं, संदेश में आप देख पा रहे होंगे यहां पर तो एक चीज का नाम लिखा है मनी। सब जानते हैं कि धन को इंग्लिश में मनी कहते हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं कि इस मनी से पहले लगा ये शब्द इनफ करके जो है, क्या ये यहां पर इसको पर्याप्त नहीं कह रहा? क्या यहां पर इनफ जैसा शब्द मनी को पर्याप्त कह रहा है या नहीं कह रहा है? शायद आपका जवाब ये आना चाहिए कि हां सर, पैसा पर्याप्त है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मैं आपसे बात पूछता हूं कि पैसा जो कि एक चीज है तो उसके बगल में लगा शब्द इनफ क्या है? उस पैसे की विशेषता है, तो इसको मुझे कहीं ना कहीं एडजेक्टिव कहना चाहिए। मैं इतना क्यों कहना की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। जिस सेंटेंस को मैंने आपको पढ़ा, जिस सेंटेंस को मैंने और आपने पढ़ा, उस सेंटेंस में एक जगह हेड है और वहीं पर इनफ मनी करके दो हैं, और वहां पे हेड और इनफ मनी के साथ साथ स्केर्सली शब्द है। मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस को आप और मैं स्केर्सली के बिना एक बार पढ़ के देखते हैं, शायद हम तभी इसको बहुत बारीकी से समझ पाए। चलो जी एक बार पढ़ लेते हैं। अमित हैड इनफ मनी टू पे टू द कैशियर एट द कैश काउंटर। शायद अब आप इसे फील कर पा रहे हो। ये घटना आपको पास्ट की नजर आती है और किसी एक व्यक्ति है जिनका नाम अमित है, उनके बारे में बात है। और इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि अमित के पास पर्याप्त पैसे थे उस कैशियर को देने के लिए, कहां पर? कैश काउंटर पर। ये इसका स्केर्सली के बिना इसका मीनिंग है। पर जब इस वाक्य में स्केर्सली लगता है तो आपको सोचना चाहिए वो क्यों आया होगा। एक ग्रामर तभी आपकी है जब उसके लॉजिक्स आप जानते हो। हर शब्द को सेंटेंस में आने पर यह सोचिए कि यहां पर क्यों आया है। जब आप क्यों का जवाब ढूंढने लगोगे तो आपकी नॉलेज हर 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 सेकंड के साथ बढ़ेगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है, क्योंकि मेरी भी ऐसे ही नॉलेज पड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये फील करते चलें। चलो जी शुरू करते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मेरी नॉलेज ये कहती है कि सेंटेंस में आने वाला जो स्केर्सली शब्द है वो इनफ के लिए आया है, पास होने के लिए नहीं है, बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास पैसे तो थे पर पर्याप्त नहीं थे। शायद इस सेंटेंस में पर्याप्त नहीं थे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपेक्षा इसके कि उसके पास पैसे नहीं थे। मेरी बात को फिर से सुनिए, क्या इस सेंटेंस में यह कहा जा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं थे, या ये कहने की कोशिश करें कि लगभग पर्याप्त तो नहीं थे? शायद यही कहा जा रहा है, शायद क्या, विश्वास के साथ कहता हूं यही कहा जा रहा है कि पैसे पर्याप्त नहीं थे, ये कहने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अच्छी बात सीखिएगा कि अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब का एक नियम जान लीजिए बच्चों। अधिकतर एडवर्ब्स, मैंने सभी नहीं कही क्योंकि बेटे सभी और अधिकतर कहने में बहुत फर्क है। जब मैं सभी कहता हूं तो उसका मतलब मेरी ये बात अधिकतर बातों पर अप्लाई होगी, और 1-4% बातें ऐसी होंगी जहां पर ये अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो अधिकतर कहने से समझ लीजिए बच्चों कि अधिकतर एडवर्ब्स हमेशा उस शब्द से पहले आती हैं जिसको वो दिखाने के लिए आई हैं। जैसे इस वाक्य में स्केर्सली का प्रयोग हमने पैसे के पर्याप्त ना होने को दिखाने के लिए किया था, तो सेंटेंस का मीनिंग तो कह रहा था पर उसकी ग्रामर आपको बड़ी दिक्कत दे रही थी, तो हमने स्केर्सली को गलत जगह रखा था हेड से पहले, जो कि गलत है। तो सही सेंटेंस को रूप देने के लिए मुझे स्केर्सली को इनफ से पहले ले जाना चाहिए और वाक्य ठीक हो जाएगा। तो अमित हैड स्केर्सली इनफ मनी टू पे टू द कैशियर एट द कैश काउंटर, ये इसका आंसर बनेगा बच्चों।
अब मैं चाहता हूं कि मैं बेटा उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। स्केर्सली का सही पोजीशन इनफ से पहले होगा, तो पार्ट ए में है गलती और पोजीशन की गलती है कि लगना कहां चाहिए था इनफ से पहले। अगर मैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ चलूं तो देखिए क्या कहता है। मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ वर्कर्स डोंट रीड वार्निंग साइंस। क्या बात है, मैं इस बात को समझाऊं तो उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप सबके अंदर इस सेंटेंसेस को पढ़ के, देखिए मैंने क्या कहा, आप सबके अंदर इन सेंटेंसेस को पढ़ने की काबिलियत होनी चाहिए। यस यू हैव हर्ड मी राइट। इन दिस स्टेटमेंट यू विल गेट टू सी टू सेंटेंसेस नॉट वन। इस स्टेटमेंट में दो सेंटेंसेस हैं, एक नहीं है बच्चों। चलो मैं आपकी मदद करता हूं ये पहचानने में। आप मेरे कहने से आप पहले वाले को पढ़िएगा कोस्ट तक। मैनी का मतलब होता है अगर किसी भी चीज से पहले मैनी लग जाए तो उसका मतलब उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। तो मैनी का मतलब बहुत होता है, ऐसा आप सब समझ ही गए। तो एक्सीडेंट्स एक दो नहीं है, बहुत सारे। हर शब्द को फील करते चले बेटा, मैनी एक्सीडेंट्स। इसके बाद लगा एट द फैक्ट्री, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्सीडेंट्स होते कहां हैं। ये एट द फैक्ट्री वो जगह है जहां पर एक्सीडेंट्स घटित होते हैं। अगला वर्ड है कॉज। कॉज होता है किसी भी चीज के पीछे की वजह। जैसे एक छोटा सा वर्ड देखिए, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, इसका मतलब क्या, धूम्रपान कैंसर पैदा करता है। तो जब हम किसी चीज को किसी चीज की वजह बताते तो वहां पर कॉज आता है। तो मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड, हो जाते हैं, किए जाते हैं। अब यहां तक का सेंटेंस देखो और मेरे कहने से इस ऑफ को दो मिनट के लिए भूल जाओ। यहां पर वैसे तो आज आप ऑफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिलेशन यानी संबंध दिखाता है, पर मेरे कहने से इस ऑफ को छोड़ते और आगे पढ़ते हैं। वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। साइन किसी भी चीज के एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दिशा निर्देश होते हैं, और वार्निंग साइंस का मतलब वार्निंग देने वाले साइंस। पढ़ना रीड होता है। डू नॉट का मतलब जब हम किसी भी काम से पहले डू नॉट लगाते हैं तो इसका मतलब इतना सा होता है कि वो काम नहीं होता। मेरे दो सेंटेंस सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने कहता हूं आई स्मोक, तो इस सेंटेंस के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं धूम्रपान करता हूं। पर अगर मैं आपके सामने कह दूं आई डू नॉट स्मोक, तो मैं यहां मना कर रहा हूं कि मैं धूम्रपान नहीं करता। तो डोंट होता है किसी काम से पहले लगा शब्द, यह दिखाता है कि काम नहीं होता। तो वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस, यानी कि वर्कर्स जो हैं वो वार्निंग साइंस को नहीं पढ़ते। यहां पर यह कहा जा रहा है, पहले सेंटेंस में यह कहा जा रहा है फैक्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और दूसरे सेंटेंस में यह कहा जा रहा है कि वर्कर्स वार्निंग साइंस को नहीं पढ़ते, और दोनों सेंटेंस के बीच में शब्द जो लगा वो ऑफ लगा है। ऑफ सबसे पहली बात संबंध दिखाने के लिए आता है। मैं आपसे बात पूछता हूं क्या यहां पर संबंध है, नहीं है। अब आपको यह पूछना चाहिए कि सर अगर यहां संबंध नहीं है तो फिर क्या है, तो मैं कहूंगा यहां पर वजह है। सुना बेटे आपने, यहां संबंध नहीं है पर यहां वजह है। वजह, वजह मतलब रीजन। जैसे यहां पर एक्सीडेंट्स होने की वजह क्या है, एक्सीडेंट्स होने की वजह वार्निंग साइंस को ना पढ़ना है। वार्निंग साइंस को ना पढ़ना ही वजह है, ऐसा नहीं है क्या बच्चों? और जब हम किसी काम के पीछे की वजह को बताते हैं और वजह बताते हुए पूरे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना ऐसे सेंटेंसेस को दिखाने के लिए जो वर्ड बनता है दैट वर्ड इज कॉल्ड बिकॉज। अब मेरे कहने से इस ऑफ की जगह बिकॉज लगा के आप देखिए और आप इस सेंटेंस को पढ़ के देखना कि आपको कितनी स्पष्टता यानी कि कितनी क्लियरिटी आपको मिलती है। मैं पढ़ देता हूं। Many accidents at the factory are caused because workers do not read sign warning signs. आप देखिए जरा, यही जादू है ग्रामर का। ग्रामर आपको क्या करती है, गलत क्या है आपको ये भी बताती है, और वो गलत क्यों है ये भी बताती है। ऑफ का यहां कोई अर्थ नहीं था क्योंकि ऑफ संबंध दिखाता है, गलत क्या है ये बताती है, और सही क्या होगा आपको यह भी समझाती है। आप जब दोनों सेंटेंस को पढ़ते हो तो एक सेंटेंस के अंदर जो काम होता है वो दूसरे सेंटेंस के काम की वजह से होता है, तो वजह होने की वजह से वहां बिकॉज जैसे शब्द को लगाना चाहिए था, ये आप समझ पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सफल रही होगी। मैं चाहता हूं बेटा अगली बात को आप समझिए। व्हेन ही फेल डाउन इन द डिच, बेटा यहां पर इन मिसिंग है टाइपिंग में,
मुझे मौका नहीं मिला उसको ठीक करने का, ऐसे ही हुआ। डिच का मतलब बेटे खाई होती है, वैन का मतलब समय होता है। जब हम किसी भी सेंटेंस के साथ वैन लगाते हैं तो वहां दो ही बातें होती हैं बेटा। जब हम किसी भी सेंटेंस से पहले वैन लगाते हैं तो वहां दो ही बातें होती हैं, या तो हम समय दिखा रहे होते हैं या हम कंडीशन दिखा रहे होते हैं। वैन से हम कंडीशन भी दिखाते हैं तो वहीं पर वैन से हम समय को भी दिखाते हैं। मैं कंडीशन वाला सेंटेंस बोलता हूं, बड़े ध्यान से देखिए, हिंदी में सुनिएगा। मैं खाना तब खाऊंगा जब मेरे पिताजी आएंगे। यहां महसूस कर पा रहे होंगे कि मेरा खाना खाना मेरे पिताजी के आने पर डिपेंड करता है। आई शैल टेक माई फूड वेन माई फादर कम्स। एक वैन ये होता है जो एक काम को होना दूसरे पे डिपेंड दिखाता है। तो वहीं पर एक वैन होता है जो किसी भी काम के पीछे के समय को दिखाने की कोशिश करता है। तो जब मैं किसी भी संडे से पहले वैन पढ़ता हूं तो मैं हमेशा फील करने की कोशिश करता हूं कि हाँ ये समय है या फिर किसी भी चीज की कंडीशन है। तो वैन ही फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है बेटा फॉल, फेल, फॉलन। फॉल डाउन का मतलब गिर जाना होता है, इन टू या इन द डिच यानी कि खाई में गिर जाना। When he fell down into the ditch या in the ditch, दोनों preposition थी, कब आगे पढ़ लेंगे क्यों। He shouted, हाँ बेटे ये समय है। जब वो गिरा तो उसने क्या किया। Shout का मतलब चिल्लाना है, second form देखें shouted, इसलिए क्योंकि घटना पुरानी है। He shouted with all his might, बेटा might ताकत होती है, might ताकत होती है, और mighty का मतलब भगवान भी होता है, ताकतवर भी होता है। With all his might, वो पुनी अपनी ताकत के साथ चिल्लाता है, so that to catch someone's attention, बेटा ये क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, पहली बार भी पढ़ा था तो एकदम से मेरे दिमाग में टक से ये गलत है, ये गलत है, ये कैसे गलत है बच्चों। मैं इसका मीनिंग समझाता हूं बच्चों, मेरी आप इसमें एक बात समझना। एक पर्पस होता है बेटा, मेरी इस बात को फील करें, एक पर्पस होता है। पर्पस से मेरा मतलब क्या है, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल फील करवाता हूं, महसूस करने का दम रखना, हो जाएगा। आप जो भी व्यक्ति समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का एक उद्देश्य है। सोचिए आप जितने भी व्यक्ति समय इस वीडियो को देख रहे हैं, हर व्यक्ति एक पर्पस के साथ बैठा है। कोई मुझसे सीखना चाहता है तो कोई मुझे चेक करना चाहता है। अब देखिए ना, हम सबका अपना उद्देश्य। जैसे मैं भी इस वीडियो को बना रहा हूं तो एक उद्देश्य के साथ बना रहा हूं कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और जब एक काम के पीछे किसी दूसरे काम को हम पर्पस दिखाते हैं तो पर्पस दिखाने के शब्द क्या है। सबसे पहली बात है बेटा, ये बात सच है कि सो और सो के साथ लगा दैट पर्पस को दिखाता है। पर एक बात और ध्यान रखना, जब आप सो दैट लगाते हो तो ये बात कभी जीवन में मत भूलना कि सो दैट तब आता है जब हम पर्पस दिखाने वाले काम को एक सेंटेंस का रूप दे दें। आपने बिल्कुल सही सुना है कि अगर मैं सो दैट लगाऊंगा तो उसके बाद मुझे सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सो दैट इज यूज्ड फॉर अ सेंटेंस। बट इफ यू पे अटेंशन, अगर आप ध्यान दें टू दिस सेंटेंस, टूवर्ड्स दिस सेंटेंस, यू गेट टू नो, आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में तो यहां पे सो दैट के बाद टू करके सीधा वर्ब को दिया गया है। सो दैट टू मैं पढ़ देता हूं आप सभी के लिए। विद ऑल हिज माइट सो दैट टू कैच समवन्स अटेंशन। एक चीज बताइए, जब वो खड्डे में यानी कि खाई में गिरता है तो अपनी पूरी ताकत के साथ क्यों चिल्लाता है। शायद पीछे उद्देश्य है कि क्या पता किसी का ध्यान चला जाए। तो वो चिल्लाने का उद्देश्य क्या था, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था, यही उसका उद्देश्य था। पर कमाल देखिए बेटा, उद्देश्य ध्यान खींचना है और ध्यान खींचना अपने आप में काम है। काम वो होता है जिसे हम करते हैं, जैसे आप सब मेरे सामने यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो, ये काम है, और मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी तो काम है। तो ध्यान का खींचना अपने आप में काम है। और मैंने जो सो दैट टू लगाया, ऐसा कोई शब्द होता नहीं, या तो सो दैट होता है या फिर सो एज टू होता है, सो एज टू होता है। अगर मैं सो दैट लगाता हूं तो इट टेक्स अ सेंटेंस, पर सो एज टू लगाता हूं तो इट टेक्स अ वर्ब, यानी कि अपने बाद एक वर्ब को मांगता है। तो यहां सेंटेंस में वर्ब थी, तो मैं सेंटेंस को ठीक करने के लिए कहूंगा क्या कि व्हेन ही फेल डाउन इनटू द डिच ही शाउटेड विद ऑल हिज माइट, सो दैट टू गलत,
सो एज टू कैच समवंस अटेंशन. इसी को मैं दूसरे शब्दों में कह सकता था इन ऑर्डर टू कैच समवंस अटेंशन. मैं ऐसे भी कहता तो वाक्य ठीक हो जाता. उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ में आएगा सो दैट कब आता है और सो एज टू कब आता है. वर्ब सीधी हो तो सो एज टू और सेंटेंस हो तो सो दैट. मैं सातवीं सेंटेंस की तरफ बढ़ता हूं बेटे, इसको समझना. अनलेस अ मैन विद प्लंटी ऑफ मनी कैन अफोर्ड अ हाउस इन दिस लोकेलिटी. मैं जब इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं ना बच्चे, तो मैं केवल ये नहीं देख रहा कि लिखा क्या है, पर मैं इसके साथ साथ ये भी देख रहा हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है. और जब मेरा उद्देश्य इसकी समझ है कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो मैं इसके पढ़ते पढ़ते इस सेंटेंस की एरर को भी समझ पा रहा हूं, इसकी एरर को भी समझ पा रहा हूं. यही मैं चीज आपके अंदर भी चाहता हूं आ सकती है. थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगी, और प्रैक्टिस तो आपको कर ही देंगे. आपकी मदद मैं भी करूंगा और आप भी अपनी मदद कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए. लो जी, इस सेंटेंस में मुझे जो कमी मिली वो मैं आपको बता दूं, तो इस सेंटेंस की कमी यहां पर साफ साफ है. क्या इस सेंटेंस में आने वाला एक शब्द, आप सोचते रहिए मैं जब तक लिखता हूं, वो शब्द है अनलेस. अगर मैं और आप अनलेस को समझ लें कि अनलेस होता क्या है, तो आप इस सेंटेंस में अनलेस गलत है इसको बताने का दम और साहस भी रख पाओगे, या फिर मन में विश्वास भी रख पाओगे. अनलेस, जब हम एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर कहते हैं, बेटे प्लीज ध्यान से सुनना, दो लाइन में अनलेस की पूरी कहानी आपके सामने रख दूंगा. जब एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर होता है, और वहां पर आप ये कहने की कोशिश करें कि जब तक ये वाला काम नहीं होगा तो तब तक ये भी नहीं होगा, कैसे? ऐसे आप पास तब तक नहीं होंगे जब तक आप पढ़ोगे नहीं. यहां पर आपका पास होना आपके पढ़ने पर निर्भर करता है. पर संडेस देखिए, आप तब तक पास नहीं होंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं. इसका मतलब क्या है? यहां पर पास का होना पढ़ने पर निर्भर है, पर देखिए मैंने क्या कहा, जब तक आप पढ़ेंगे या पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे. तो इसका मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो कंडीशन दिखाने, इमेजिन करने का वर्ड इफ होता है, जब हम इफ और नॉट दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो चाहे तो हम उसे अनलेस भी बुला सकते हैं. तो व्हाट इज अनलेस? अनलेस इज इफ नॉट. अनलेस है क्या? इफ नॉट का कॉम्बिनेशन है. तो बेटा जी वही तो अनलेस हुआ, तो आपको मिल तो गई बात, समझ लीजिए ना आप इस बात को. दूसरी बात बेटा, अनलेस एक सेंटेंस के लिए बना, यह भी आपको समझ लेना चाहिए. पर ध्यान से देखिए सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है. अनलेस को मैं कहता हूं, एक मिनट के लिए हटा दो, अ मैन विद प्लंटी ऑफ मनी, धन मनी. अ प्लंटी ऑफ एक शब्द है बेटा यहां पे, अ प्लंटी ऑफ का मतलब तो बहुत सारा. अ प्लंटी ऑफ का मतलब तो बहुत सारा. अ मैन एक व्यक्ति विद प्लंटी ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा पैसे के साथ. एक बात और बताना चाह रहा हूं, विद क्या कह रहा है? विद का मतलब पास होना भी होता है. विद का मतलब पास होना भी होता है. अ बॉय विद लॉन्ग, बेटा सुनिएगा, अ बॉय विद लॉन्ग हेयर केम टू मीट यू. एक लड़का जिसके लंबे बाल थे वो आपसे मिलने के लिए आया था. तो जब हम विद लगाते तो विद का मतलब क्या है? विद का मतलब पास होने से है, उसके अंदर शामिल होने से है. अ बॉय, मैंने कहा कि आई नीड एन एम्प्लॉय विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई नीड एन एम्प्लॉय विद ग्रेट एक्सपीरियंस. तो यहां पे विद का मतलब क्या है? एक ऐसा एम्प्लॉय मुझे चाहिए जिसके पास अनुभव बहुत हो. तो विद पास होने को भी दिखाता है. तो सेम चीज यहां समझ के देखिएगा, अ मैन विद प्लंटी ऑफ मनी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत सारा है. कैन अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब किसी भी चीज को जब हम पैसे की ताकत के आधार पर ले पाए, कर पाए, तो अफोर्ड होता है. कैन अफोर्ड, ये पैसे की ताकत को दिखाता है. अफोर्ड अ हाउस इन दिस लोकेलिटी, यानी कि केवल वही व्यक्ति, अब मेरी बात को समझिएगा, क्या सेंटेंस में ये नहीं है, केवल वही व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत सारा है, केवल वही व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत सारा है वो इस लोकेलिटी में मकान ले सकता है. यही इसका मतलब है बच्चों. और आज मैं इंग्लिश में एक शब्द आपको देता हूं, ये शब्द बड़े ध्यान से देखना, ओनली. एक वर्ड होता है बेटा ओनली, और ये ओनली जैसा वर्ड करता क्या, आप समझेंगे अभी. देखिए ओनली शब्द का मतलब केवल एक. जब हम किसी भी शब्द से पहले ओनली लगाते हैं, तो उसका मतलब केवल आप इसी की बात कर रहे हो और किसी की नहीं.
और ध्यान देना, ओनली जिसके पहले लगेगा ये उसी पर जोर देता है, ये कहीं और नहीं बल्कि केवल उस पे जोर देगा जिसके साथ ये लगा है। चलो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ओनली आई कैन टीच इंग्लिश। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूं तो इस पूरी अर्थ पे केवल मैं ही ऐसा हूं जो इस काम को कर सकता है। ओनली आई कैन टीच इंग्लिश, अब इसका मतलब केवल मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। अगला देखें, आई कैन ओनली टीच इंग्लिश, इसका मतलब मैं केवल एक काम कर सकता हूं, वो काम है इंग्लिश का पढ़ाना। अगला देखिए, आई कैन टीच ओनली इंग्लिश, अब इसका मतलब है मैं पढ़ा सकता हूं पर केवल एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश, यानी कि ओनली जिसके पहले लगेगा उसी को दिखाएगा। तो यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि केवल वही व्यक्ति जिसके पास ढेर सारा पैसा है वो इस लोकेलिटी में एक मकान को अफोर्ड कर सकता है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए था बच्चों, ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी कैन अफोर्ड अ हाउस इन दिस लोकेलिटी इज द राइट सेंटेंस। उम्मीद करता हूं मेरे डियर स्टूडेंट्स आप सभी से बेटा जी आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ पाए होंगे। अब मैं एक स्लाइड और आपके साथ डिस्कस करता हूं, ये लास्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे और उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने का तो हमें मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू स्लाइड एंड हियर यू आर। ये लीजिए, हम 11 सेंटेंसेस तक चलेंगे, गर्मी बहुत है और यहां पर मुझे थोड़ा सा गिडीनेस भी फील हो रहा है क्योंकि स्वेटिंग बहुत है। चलो, पर ये सेंटेंसेस भी मैं आपके साथ बहुत ईमानदारी के साथ शेयर करता हूं, बच्चों देखिएगा जरूर। यू कैन नॉट डिसमिस हिम अंटिल अ गुड रीजन। क्या बात सीखने को मिलेगी आपको, मैं इसी बात से खुश हो गया कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है। अब देखिए बेटा, अंटिल और टिल, ये दो शब्द हैं बच्चों, एक अंटिल है और एक टिल है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर हम टिल और उसके साथ नोट को जोड़ दें तो इन दोनों का जो जोड़ना है वो बन जाएगा अंटिल। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टिल नोट अंटिल भी होता है। तो अंटिल और टिल दो शब्द हैं, इसका मतलब तक होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत बात है, पर इसका मतलब किसी समय तक होता है, ऐसा बोलूं तो सही कहा बच्चों। अगर इसका मतलब मैं कह दूं कि तक होता है तो मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, पर अगर मैं इसका मीनिंग कहता हूं किसी समय तक है ऐसा बोलता हूं तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि अंटिल और टिल दोनों के दोनों शब्द किसी टाइम को दिखाने के लिए आते हैं। केवल महज इतना पता होना कि टिल अंटिल समय को दिखाते हैं आपके सेंटेंस को पढ़ते ही समझा देंगे कि गलत है, क्योंकि देखिए सेंटेंस में अंटिल शब्द वजह के लिए आ रहा है, रीजन। और जरा ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, यू कैन नॉट डिसमिस हिम, आप उसे डिसमिस नहीं कर सकते, यानी इसको खारिज नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते बिना किसी रीजन के। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दो मिनट पहले जो मैं डिस्कस कर रहा था उसको मैं एक बार फिर आपके साथ ले आता हूं। विद का मतलब पास होना है और विदाउट का मतलब पास न होना होता है। बेटे यही चीज समझाना चाहता हूं, विद का मतलब कोई चीज का पास होना है तो विदाउट का मतलब पास नहीं होना होता है। और मैं यही चीज चाह रहा था कि आप इसमें समझ लेते, यू कैन नॉट डिसमिस हिम विदाउट अ गुड रीजन, बिना अच्छे रीजन के आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते। तो यहां विदाउट आना चाहिए था बेटा, अंटिल नहीं, क्योंकि टिल अंटिल तो समय को दिखाते हैं। तीन बातें समझाई बेटा मैंने, टिल समय के लिए, टिल नॉट भी समय के लिए, पर टिल नॉट होता नहीं, वो जुड़कर अंटिल हो जाता है। अंटिल और टिल दोनों समय को दिखाते हैं। तो वहीं पर मैंने बताया विद का मतलब पास होना है तो विदाउट का मतलब पास ना होना। तो आप जब तक उसे नहीं निकाल सकते, जब तक आपके पास नहीं है तो पास है, बल्कि ये ना कहके कह रहा हूं पास नहीं है, जब तक पास नहीं है तो अंटिल अ गुड रीजन गलत होगा, विदाउट अ गुड रीजन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूं बेटा। ऑल्दो कंप्लीटेड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज बियॉन्ड द रीच ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, बट नो चाइल्ड शुड लूज हिज लाइफ फॉर वॉन्ट ऑफ फंड्स। दो गलतियां बेटा, दो गलतियां बच्चे, दोनों की दोनों गलती आपको समझाता हूं, देखिए कैसे। देखिए कैसे बेटा, ऑल्दो
TH OUGH दो, ऑल दो, ये दोनों के दोनों शब्द आते कब हैं? जब एक घटना किसी दूसरी घटना के बिल्कुल अपोजिट घटित हुई हो। कैसे? आपसे मैं पूछता हूं, जो व्यक्ति पढ़ता नहीं वो क्या होगा एग्जाम में, पास या फेल? अगर आप मजाक के मूड में नहीं बैठे तो आप सब कहेंगे कि सर पढ़ता नहीं है तो फेल ही होगा। और मैंने कहा जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, इंटेलिजेंट है और मेहनत भी बहुत करता, वो क्या होगा, फेल या पास? आप कहेंगे पास होगा। अब देखिए, मेहनत करा तो क्या होगा, पास, और नहीं पढ़ा तो होगा क्या, फेल। पर देखिए जरा, मैंने कहा उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, और उसने पढ़ाई नहीं की फिर भी पास हो गया, तो क्या दोनों सेंटेंस में एक काम का अपोजिट काम नहीं दिखाया मैंने? उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, और उसने दूसरे सेंटेंस में कहा कि वो पढ़ा नहीं फिर भी पास हो गया। इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द अपोजिट फीलिंग, ये अपोजिट होता है। तो ऑल्दो शब्द का प्रयोग अपोजिट के लिए होता है। और आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के देखें तो यहां पर अपोजिट होने की बात है नहीं। इस सेंटेंस का मीनिंग आपको बताता हूं, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। कैंसर एक बीमारी का नाम है और ट्रीटमेंट इलाज होता है। कंप्लीट का मतलब पूरा। मुझे एक चीज बताइए, ट्रीटमेंट किसका है? आप कहेंगे कैंसर का। और जब मैं कैंसर के ट्रीटमेंट को दिखाता हूं तो यहां बीच में लगे ऑफ को नहीं फील कर पा रहे हो क्या? आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पोजीशन है, रिलेशन है। ट्रीटमेंट किसका? कैंसर का। और कैसा ट्रीटमेंट? पूरा ट्रीटमेंट, ये कंप्लीट उसकी विशेषता। किसकी ट्रीटमेंट की? द आना चाहिए था, द कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब यही क्यों? क्योंकि ऑल्दो तो अपोजिट को दिखाता है। देखिए, द कंप्लीट, मैं द के साथ बोल रहा हूं, द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। मैं एक बात पूछता हूं, क्या किसी भी व्यक्ति का पुअर होना उस व्यक्ति की विशेषता है? आपका जवाब होना चाहिए यस। किसी इंसान का गरीब होना उसकी विशेषता है। इंग्लिश में कहा जाता है कि विशेषता दिखाने वाले शब्दों के साथ अगर हम द लगा दें तो उस कैटेगरी में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, सबकी बात हम कर रहे होते हैं, ऐसा मीनिंग आता है। जैसे अगर मैं द पुअर कहता हूं तो उसका मतलब है सारे गरीब, द रिच कहता हूं तो सारे अमीर। तो सेम इसी तरीके से अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जिसके पास सुख साधनों की कमी हो। सुन लीजिए बेटा, अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब जिसके पास सुख साधनों की कमी है, सुख साधन नहीं है तो अंडर प्रिविलेज्ड है। और दी अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब सारे के सारे वो लोग जिनके पास सुख साधन की कमी है। अब देखिए ना क्या कहता है, द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज बियॉन्ड द रीच ऑफ, यानी कि वो पहुंच के बाहर है। किसकी पहुंच के बाहर है? वो व्यक्ति जिनके पास सुख साधनों की कमी है, अंडर प्रिविलेज्ड। बट नो चाइल्ड, कहते कोई बच्चा शुड लूज हिज लाइफ, पर किसी भी बच्चे को यहां हिज गलत है बेटा। चाइल्ड और बेबी को कभी भी हिज के साथ नहीं रिप्रेजेंट करते, इट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये पढ़ा देंगे आगे। तो नो चाइल्ड शुड लूज इट्स लाइफ फॉर वॉन्ट ऑफ। बेटा फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब, ये वर्ड समझ लीजिए, फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होती किसी चीज की कमी। फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब किसी चीज की कमी होती है, और फंड्स मतलब पैसे की कमी। तो देखिए कहते हैं, जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है कैंसर का वो ऐसे लोगों की पहुंच के बाहर होता है जिनके पास सुख साधनों की कमी है। पर उल्टा बोलता है, किसी भी बच्चे को अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए पैसे के अभाव में, फंड्स के अभाव में। की कमी को मैंने फॉर वॉन्ट ऑफ कहा, आपको समझ में आया होगा बेटा। मैं दसवीं को देखता हूं, नो ट्रैफिक विल बी अलाउड इन दिस एरिया सिंस द मिनिस्टर विजिट इज स्केड्यूल्ड टुडे। बेटा जब किसी काम को हम किसी समय के साथ निश्चित कर देते हैं, बेटा फिर सुनिए, जब हम किसी काम को किसी समय के साथ निश्चित कर देते हो तो उसे हम स्केड्यूल्ड कहते हैं। समय के साथ निर्धारित है, स्केड्यूल्ड है। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहां पर आप और मैं मिलकर एक बात सीखें, दो बातें देखें। मिनिस्टर विजिट, बेटा विजिट का मतलब कहीं पर वही देखने के लिए जाना किसी भी लिए, और मिनिस्टर मतलब वो व्यक्ति, ये दोनों नाउन है। एक नाउन के बगल में, बेटा सुनना जरूर ध्यान से, एक नाउन के बगल में दूसरे नाउन को रखा जा सकता है। एक नाउन के बगल में किसी दूसरे नाउन को रखा जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर उसके पीछे कई वजह में से दो वजह सबसे मेन है। जब मैंने कई कहा तो उसका मतलब जो मैं बात बताने वाला हूं उसके अलावा भी एक दो और हैं। तो कई वजह में से दो हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं।
एक होता है बेटा टाइप और एक होता है पोजेशन। टाइप और पोजेशन अगर आप समझ गए तो इसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। टाइप का मतलब क्या है, वो कैटेगरी बताता है, और पोजेशन का मतलब क्या, वो रिलेशन दिखाता है। मैं आपके सामने एक बात बोलता हूं बेटा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर सुने बड़े ध्यान से। मैं आपके सामने एक बात बोलता हूं, अगर मैं कहता हूं प्रदीप का मकान, तो यहां टाइप है या फिर संबंध है, बड़े ध्यान से देखो। प्रदीप का मकान ये टाइप है या संबंध है? आप कहेंगे संबंध है, क्योंकि ये तो कोई टाइप नहीं है प्रदीप। पर अगला वर्ड सुनिए, लकड़ी का मकान ये टाइप है या संबंध है? अगर ये जानने में आप कामयाब रहे तो मेरी ये बात बहुत सफल हो जाएगी, आज की पूरी क्लास सफल हो जाएगी कि ग्रामर का आपने डेप्थ समझ लिया। बेटे आपको मुझे समझ के ये बताना, दैट इज टाइप और द पोजेशन। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस और बोलता हूं, इस सेंटेंस को भी सुनिएगा। मिनिस्टर की पावर, मिनिस्टर की पावर टाइप है या रिलेशन है? पावर पे मिनिस्टर का अधिकार है, रिलेशन है, टाइप नहीं है। अगला, जूतों की पॉलिश, जूतों की पॉलिश टाइप है या रिलेशन है? आप कहोगे जूतों का पॉलिश के ऊपर संबंध नहीं है, पर मार्केट में पॉलिश तो कई चीजों की मिलती है, उनमें से जिस पॉलिश की आप बात कर, जो जो पॉलिश की बात कर रहे हो वो जूतों वाली है, वो कैटेगरी बताती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर दैट इज द टाइप और द पोजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड हियर। तो टाइप और पोजेशन समझ लिया तो बात खत्म हो जाएगी। ये विजिट मिनिस्टर की थी तो ये कोई टाइप नहीं हो सकती थी, बल्कि इसका संबंध था। तो मिनिस्टर की विजिट कहने के लिए यहां पे मिनिस्टर्स आना चाहिए। जब मैं कहता हूं शू पॉलिश, तो यहां मैंने एपोस्ट्रोफीस नहीं लगाया बच्चों। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये शू क्या है, पॉलिश की विशेषता है कि कौन सी पॉलिश, जूतों वाली। इसलिए आपने देखा होगा टूथब्रश, वो टीथ नहीं होता, ये आगे चल के पढ़ा देंगे टूथ ही क्यों होता है, पर ध्यान से देखिए टूथब्रश, ये टूथ के बाद सीधा ब्रश आए, दोनों नाउन है, पर पहला नाउन क्या कर रहा है, उसकी टाइप को बता रहा है, कौन सी टाइप का ब्रश। तो एक नाउन के बगल में नाउन लग के उसकी टाइप भी बताता है, तो वहीं पे दो नाउन एक दूसरे के बगल में आके रिलेशन भी दिखाते। तो मिनिस्टर की विजिट, तो मिनिस्टर्स विजिट कहना था, इस वाक्य का भी हमें गलती मिल गया, इसका गलती सी है, यहां पे मिनिस्टर्स विजिट कहना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। अगला लास्ट बेटा ही करा देता हूं कि थोड़ा सा बहुत स्वेट हो चुका है, नॉट एबल टू स्टैंड, बहुत सफोकेशन फील कर रहा हूं, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, और इतना समझ में आ गया तो बहुत है। द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी, ऑफ देखिएगा बेटा, कंपनी और प्रोजेक्ट का रिलेशन है तो ऑफ आ गया। कैन नॉट बी लॉन्च्ड, नहीं हो सकता, अनलेस द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, याद हो तो इफ नॉट को अनलेस कहते हैं, तो अनलेस तो किसी सेंटेंस के लिए आता है, ये वही बात आ गई बेटे, अंटिल टिल वाली, अंटिल वाले में था, जरा फील करके देखो, यहां पर भी गलती वही है, यहां पर भी हमें जो वर्ड चाहिए विदाउट। अनलेस तो किसी काम को दिखाता बेटा, पर यहां पे तो उसने क्या कहा, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, ये तो क्या है, बोर्ड की अप्रूवल, ऑफ रिलेशन दिखा रहा है, अप्रूवल किसकी, बोर्ड की है, तो बेटा यहां पे अनलेस नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब अगर नहीं, तो यहां पे विदाउट के बिना, बोर्ड के अप्रूवल के बिना नए प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया जा सकता, तो यहां पे विदाउट होना चाहिए ना कि अनलेस। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा इसे पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर करेंगे, इस पसीने वाले मेहनत का मुझे फल तो जरूर देंगे अच्छा सीख के। और इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, समय बुरा है, हालात बुरे हैं, पर इरादे बुरे नहीं होने चाहिए, बात बनती चली जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।